आज मुलाकात हुई। मैंने अगले 5 साल दिल्ली का विकास करने के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए काम करने के लिए उनसे सहयोग मांगा और उन्होंने कहा कि वो पूरी तरह से दिल्ली के कामों के लिए सहयोग करेंगे। और उनसे अभी पिछले कुछ दिनों में जो दिल्ली में हालात हुए उस पर भी चर्चा हुई। मैंने उनको बताया कि अभी इतवार को दिल्ली में, पूरी दिल्ली के अंदर बहुत ज़बरदस्त अफवाहें फैली थी, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया था, जिसमें दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छा रोल अदा किया और जिस तरह से दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स सड़क पे उतर के लोगों को शांति बनाए रखने की अपील कर रहे थे, जिस तरह से पूरी दिल्ली के अंदर पुलिस ने अफवाहों को रोकने की कोशिश की और एक बहुत बड़े हादसे को उन्होंने रोका, तो ये बहुत ही काबिल तारीफ था। और पिछले हफ्ते के सोमवार और मंगलवार की दो रातें जो थी उस वक्त, उन दो रातों में सबसे ज़्यादा दंगे हुए थे और एक ही डिस्ट्रिक्ट में थे। तो अगर जैसे संडे को इतनी मुस्तैदी के साथ पुलिस ने सारी अफवाहों को रोका और दंगे होने से रोका, अगर वो मंडे और ट्यूसडे को एक ही डिस्ट्रिक्ट में था, अगर थोड़ा उसी एफिशिएंसी के साथ पुलिस उन दो दिन भी काम करती तो शायद कई सारी जान बचाई जा सकती थी। मैंने प्रधानमंत्री जी से अपील की और उन्होंने भी कहा कि अब हमें ये कोशिश करनी है कि भविष्य के अंदर कभी भी इस तरह की वारदात नहीं होनी चाहिए दिल्ली के अंदर। दिल्ली देश की राजधानी है, जो भी कदम उठाने की ज़रूरत है भविष्य में इस किस्म के दिल्ली में दोबारा दंगे कभी नहीं होने चाहिए। ये हम सब के लिए चिंता का विषय है और जो भी इसमें स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है हम सबको मिलकर स्टेप्स उठाने चाहिए। ये दंगे करवाने के लिए जो भी जिम्मेदार हैं, मैंने उनसे निवेदन किया, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे वो किसी भी, कितने भी ऊंचे हों, किसी को कितने भी ऊंचा व्यक्ति क्यों ना हो, उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि एक मैसेज जाए कि इस किस्म की हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और कोरोना वायरस को लेके चर्चा हुई कि जो जिस तरह से कोरोना वायरस फैल रहा है और पहला केस अभी दिल्ली में निकला है, एक केस तेलंगाना में निकला है और उसमें केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार मिलके काम करेंगे ताकि ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, दुनिया भर में जहां भी जिस भी देश में गई है बहुत तेज़ी से फैली है, तो इसमें मिलके हम लोगों को काम करना पड़ेगा ताकि ये इसको फैलने से रोका जा सके। जब आपने प्रधानमंत्री से जिक्र किया है, कोई भी कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, क्या बीजेपी के नेताओं के बयान को हमने स्पेसिफिक चर्चा नहीं की, हमने कहा कि इसी पे चर्चा हुई कि कोई भी हो जिसने भी दंगा कराया उसको। हम लोगों ने मीटिंग ली है, रिव्यू मीटिंग सभी अधिकारियों के साथ, सभी डिपार्टमेंट्स के अधिकारी मौजूद थे। हमारा सबसे इस टाइम पहला मकसद है कि लोगों की जिंदगियां वापस नॉर्मल हों। हिंसा तो रुक चुकी है, अब हिंसा की कोई कहीं वारदात नहीं आ रही है, लेकिन कई लोग घर छोड़ के चले गए हैं, वो लोग वापस अपने अपने घर लौटें और आपस में सभी समुदायों के बीच में वापस दोस्ती और भाईचारे का रिश्ता कायम हो, ऐसा हम लोगों का सबसे बड़ा इस वक्त मकसद है। लोगों को अपनी ज़िंदगी दोबारा सुचारू रूप से शुरू करवाने के लिए सरकार की ओर से जो भी सहायता हम लोग दे सकते हैं वो सहायता देने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी दुकानें जल गई, कई लोग ऐसे हैं जिनके घर जल गए, कुछ लोगों की मौत हो गई, कई लोग ऐसे हैं जो इंजर्ड हो गए, पार्टली इंजर्ड हो गए। इन सभी लोगों को हम लोगों ने मुआवजा देने के लिए ऐलान किया है। हमारे, जैसा मैंने बताया था कि जो ये चार सब डिविजन्स हैं जो अफेक्टेड हैं, उसमें हम लोगों ने बाहर से अब टोटल 18 SDM वहाँ पे नियुक्त किए हुए हैं, तो एक एक SDM के अंडर में
बहुत छोटे छोटे अब एरिया आते हैं, मान लीजिए दो दो तीन तीन छोटे छोटे कॉलोनीज आती हैं, तो अभी हमने सारे एसडीएम के साथ मीटिंग की और लगभग सभी एसडीएम अपना अपना एरिया का बहुत डिटेल में राउंड ले चुके हैं और कई बार राउंड ले चुके हैं, तो उनको हमने कहा है कि सारे आइडेंटिफाई कर लें कौन सी दुकानें, कितनी दुकानें जली, कौन सी दुकानें जली, कितने घर जले, कौन से घर जले, कितने पार्टली जले, कितने फुली जले। तो हालांकि काफी कुछ कर चुके हैं लेकिन मैं अभी आपको फिगर नहीं दूंगा, कल तक हम आपको एग्जैक्ट फिगर बताने की स्थिति में होंगे कि एग्जैक्टली कितने घर जले, कितने व्हीकल्स जले, कितने दुकानें जली, क्योंकि अभी भी थोड़ा बहुत वो वेरीफाई करना उन लोगों को बाकी है, तो अभी कुछ फिगर देना सही नहीं रहेगा। जो आज से हमने एक्स ग्रेशिया अमाउंट देना ऐलान किया था, तो 69 के करीब फॉर्म्स आए हैं सुबह से और उन लोगों को आज रात तक या कल सुबह तक इनिशियल एक्स ग्रेशिया अमाउंट दे दिया जाएगा, कैश दे दिया जाएगा, ताकि वो लोग अपनी जिंदगी शुरू कर सके। इसमें जिन लोगों के घर पूरी तरह से जल गए हैं या जिन लोगों के घर सब्सटैंशली जल गए हैं या जिन लोगों के घर में मौत हो गई है या जो इंजर्ड हुए हैं, उन लोगों को एक एक्स ग्रेशिया अमाउंट दिया जा रहा है। तो उसके अलावा एसडीएम जो हैं वो इंश्योर करेंगे, या तो वो खुद या अपने किसी सीनियर ऑफिसर को भेज के, ये एक बार ही जब हमारी सारा बन जाएगा तो हम इस पे डिपेंड नहीं करेंगे कि लोग हमारे पास आके फॉर्म देके जाएं, उनके घर हम फॉर्म भिजवा रहे हैं, जो डेड लोग हैं उनके भी, इंजर्ड लोग हैं उनके भी, जिनके घर जल गए, जिनकी दुकानें जल गई, जिनके व्हीकल जल गए, उनके हम घर फॉर्म्स भिजवा रहे हैं और ताकि वो घर फॉर्म भर सकें। खाने की कोई अभी दिक्कत ऐसी नहीं है, जहां जहां खाने की जरूरत है वहां खाने का इंतजाम कर दिया गया है, और रहने की भी दिक्कत नहीं है। जो लोग छोड़ के गए हैं वो कई लोग जिनके घर जल गए हैं वो अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के यहाँ चले गए हैं, कुछ लोग हैं जिनको जरूरत है उनके लिए हमने नाइट शेल्टर्स में और कम्युनिटी सेंटर्स में इंतजाम किया है, लेकिन वो जो इंतजाम है अभी तक सफिशिएंट है क्योंकि अभी भी खाली पड़े हैं, काफी जगह है नाइट शेल्टर्स में और अभी भी खाली पड़े हैं, अगर और जरूरत होगी तो और इंतजाम करेंगे लेकिन अभी और जरूरत नजर आ नहीं रही है। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि लोग वापस भाईचारे के साथ रहें, तो एसडीएम को आज हमने कहा है कि जब वो जा रहे हैं तो आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा करके वो कहें भाई आप खुद फोन करके वापस बुलाइए इनको और उनको कहिए कि हम चाहते हैं कि आप वापस आएं और आप रहें और आपको आपकी सुरक्षा हम करेंगे, तो इस तरह का एफर्ट जो है वो बहुत जरूरी है वहां पे शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए, नहीं तो लोग डर के मारे अगर वापस नहीं आएंगे तो वो सही नहीं है। तो पूरी दिल्ली सरकार, सारे डिपार्टमेंट्स इसमें लगे हुए हैं और पूरी कोशिश हम लोग कर रहे हैं और सफाई व्यवस्था भी की, जो जो जिन जिन इलाकों में सफाई की प्रॉब्लम थी उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है, जो नाइट रात को स्ट्रीट लाइट्स जहां जहां काम नहीं कर रही है उसकी लिस्ट काफी जगहों पे तो ठीक कर दी गई है, उसकी लिस्ट भी बनाने को आज कहा गया है कि उसको तुरंत ठीक किया जाए। हमने अपने सभी गवर्नमेंट स्कूल्स में खासतौर से एसएमसी की मीटिंग कराई थी, पेरेंट्स की और जो बाकी एसएमसी के मेंबर्स हैं उन लोगों की, और एसएमसी मेंबर्स के साथ में, क्योंकि एसएमसी मेंबर उसी लोकलिटी से आते हैं, उन्हीं के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं और आसपास की लोकलिटी से आते हैं, तो उनसे असेस किया था सारा उनकी क्या राय है। तो आमतौर पर यही राय निकल गया है कि अभी हालांकि एग्जाम चल रहे हैं, रेगुलर क्लासेस नहीं है, पर अगर एग्जाम भी थोड़ा सा आगे बढ़ाया जा सके, जो हमारी गृह परीक्षाएं हैं इन हाउस एग्जाम्स हैं वो हमने 7 तारीख तक आगे बढ़ा दिए हैं, उसका सर्कुलर आप लोगों के बीच में पहुंच गया है सर अभी तक जो और जो इसके हैं सीबीएसई के एग्जाम्स हैं, हम सीबीएसई को भी कह रहे हैं कि वो भी कंसिडर करें क्योंकि बच्चे अभी ट्रॉमा में हैं इस वक्त, ऐसे में उनके लिए पढ़ना हम भी समझते हैं, पेरेंट्स का भी मानना था, टीचर्स का भी मानना था कि अभी स्थितियाँ वो नहीं है कि अनुकूल की उनकी परीक्षा ली जाए, तो हम सीबीएसई को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि थोड़ा आगे बढ़ा दे या इस जिले के एग्जाम्स को रिकंसिडर करे आगे बढ़ाने के लिए।